यसरु यस सर। चलो देखिएगा बाप, हम जो क्वेश्चन कराएंगे ना वही आपके एग्जाम में आएंगे और आपके जो मॉडल पेपर होंगे आप उनको करो, और उसमें जो सवाल नहीं आए मॉडल पेपर में है वो पेपर जो मॉडल पेपर है आपको हमने भेजे, सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर या ओल्ड जो पुराने पेपर आपके हो चुके हैं 2023 के, 24 के, 21 के, वो है ना, उसमें जो सवाल है वो आप हमसे पूछिए। क्योंकि जैसे कल आपने जो प्रश्न पूछे थे ऐसे एग्जाम में नहीं आते, आते ही नहीं, आप देख ना पुराने पेपर में ही नहीं ऐसे पेपर, ऐसे प्रश्न आते ही नहीं अच्छा आते ही नहीं ना, तो अच्छा है ना दिया है। चलो ठीक है, मगर फिर भी कराएंगे, हाँ भैया करा देंगे, ओ हम तो बोलेंगे कि सर और आ नहीं रहा तो कह रहे आते नहीं है सर, हम ऐसा क्यों बोलेंगे, ऐसे बच्चे भी दिमाग लगाते नहीं लगा, वो सर ने सवाल नहीं आ रहा ने कोई दिक्कत नहीं, बोले सर को सवाल नहीं, सर को सवाल नहीं आ रहा ना, सर ऐसे कह रहे कि नहीं आते नहीं आते, दिमाग लगाते वो नहीं आता। चलो शुरू करते हैं, देखो वो सवाल हम कराएंगे ऐसी बात नहीं है, तो सर कब परीक्षा में नहीं आ रहे तो मत कराओ, नहीं नहीं हम तो कराएंगे भैया, तो फिर तुम दूसरों से दूसरों में सर ने सवाल रट रखे है, वो सवाल एक सवाल पूछ ले तो चलेगा। अब आपको जो सवाल है एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहे, जैसे कि यस ये आपका क्या है स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, ओके ए बी सी डी है ना बेटा स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर और इसमें ये ठीक है ना, और फिर देखो बेटा ये एक सर्कल का चौथा हिस्सा, ये भी चौथा हिस्सा है, ये भी चौथा हिस्सा है और ये भी चौथा हिस्सा है, तो ये देखो जैसे एक रोटी होती है ना, एक रोटी के कितने टुकड़े, एक दो तीन चार, अब चारों टुकड़ों को अगर मिला दें हम है ना, जैसे ये वाला हिस्सा हमने इन चारों टुकड़ों को मिला देंगे तो एक रोटी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, तो एक रोटी वो हो गई और एक रोटी अंदर ऑलरेडी है, एक रोटी हमारे पास अंदर है और ये चारों टुकड़े मिलाएंगे तो दो रोटी हो गई ना, रोटी का मतलब यहाँ पे क्या है, व्रत है ना सर्कल, क्योंकि हमारी जो रोटी होती है वो वर्ताकार होती है, इसलिए यहाँ पे हमने उसको ऐसा कहा है, ठीक है ना। तो अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग जो आपकी ये छाया है इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो अब ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर की 4 सेंटीमीटर भुजा वाला ये जो स्क्वायर है इसकी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की है, ये भी 4 सेंटीमीटर की है, ये भी 4 सेंटीमीटर की है, दिस इज ए बी बी सी सी ए और डी ए, तो भैया ये 4 भुजाएं बेटा है ना। अब ये कहता है कि 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, भैया यहां से लेके यहां तक की जो त्रिज्या है वो है R is 1 centimeter, R = 1 centimeter, एंड भुजा किसकी भुजा बेटा, वर्ग की भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये 2 चीजें हमें दी गई हैं है ना, तो ये कहता है बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, ये जो
ये जो जो व्रत है ये आपका बीच में एक व्रत दिख रहा है आपको, यस सर, है ना, ये व्रत है। इस व्रत का जो व्यास है बेटा, ये व्यास कितना है, इस व्यास की लंबाई कितनी है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 सेंटीमीटर। ये कहता है कि भैया 2 सेंटीमीटर व्यास का एक व्रत है जो बीचों बीच में है। तो व्यास है तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो भैया इसकी त्रिज्या भी तो एक ही हुई ना, ये भी एक है, ये भी आर बराबर एक है, और ये देखो ये भी आर बराबर एक, ये भी आर बराबर एक है, ये भी एक ही है, हाँ, ये सब आर बराबर एक। यहाँ लिख दो आर इज इक्वल टू वन एंड दिस इज आर इज इक्वल टू वन, ये भी एक ही है और ये भी त्रिज्या आपकी एक ही है, ये सब समान त्रिज्या है, ये समान त्रिज्या है इनकी। तो समान त्रिज्या के कितने व्रत हो गए हमारे पास, समान त्रिज्या वाले कितने व्रत हैं, 2 व्रत हैं। और ये जो आपके पास वर्ग है या स्क्वायर है, इस वर्ग के क्षेत्रफल, हम पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस वर्ग के क्षेत्रफल में से जो 2 व्रत हैं उन दोनों व्रतों के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब भैया छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त कितने अपने पास, 2 है ना, तो वृत्त का दुगुना, वृत्त का क्षेत्रफल का दुगुना, वृत्त का क्षेत्रफल जो भी आएगा उसका 2 गुणा करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 2 व्रत है, तो 2 व्रत है तो 2 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुणित वृत्त का, देखो तो क्षेत्रफल इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पूरा आखिरी तक, यस। तो भैया यहां लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 4 गुणित भुजा होता है भैया, भुजा गुणित भुजा होता है, और माइनस 2 और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना बेटा। चलो तो ए बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपका, ए बराबर भुजा गुणित भुजा कितना, 4 गुणित 4, भुजा गुणित भुजा मतलब 4 गुणित 4 माइनस 2, पाई का मान कितना बेटा, 22/7 माइनस नहीं गुणित आर कितना बेटा, 1 की घात कितनी आ जाएगी, 2, 1 की घात 2। चलो तो ये हो गया आपका 4 चौक 16 माइनस 4 चौक 16 माइनस, चल 22 दूना 44 तो 22 दूना 44 बटे में कितना आ जाएगा, 7 बटे में 7 क्योंकि 1 का तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि 22 दूना 44 और 44 एकम 44 ही होता है, नीचे 1 यहाँ तक आगे बिल्कुल आगे। अब हम क्या करेंगे भैया, अब हम यहाँ पे लघुतम लेंगे बेटा, ठीक है ना, अब यहाँ पे लघुतम लेंगे, इधर कर लेते अपन सवाल ए बराबर, फिर अभी तुमको भी पढ़ाएंगे हो, है ना, तुम्हारे को भी सवाल कराएंगे। चलो अब 1 और 7 का लसा कितना आएगा, 7 देखो बेटा 16 सते 16 पंजे 80 16 छन्नी 16 सते 112 माइनस 44 एकम 44 44 ए बराबर कितना आ जाएगा, 112 में से 44 घटाओ तो 12 में से 4 गए तो 8 है ना, फिर 10 में से 4 गए तो 6/7 तो 68 बटे 7 भाग लगा दो 68/7 तो भैया आप
चाहे बस आइए उत्तर देखो 68/7 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर 68/7 वर्ग सेंटीमीटर है ना। यस वेरी गुड वेरी गुड। तो कठिन था क्या सवाल? ये सरल था सर है ना, मगर इसमें देखो कितना लंबा कर रखा है इसको देखो है ना। फिर इस वजह से बच्चे क्या है फिर इसको कठिन समझ लेते हैं और कठिन समझ के फिर इसको कठिन समझ के नहीं करते हैं। बोले कठिन है कठिन है जबकि सरल है। मैंने तीन लाइन में कर दिया हूँ घबरा जाता है ना बच्चा फिर वो ऐसे सरल सवाल भी छोड़ के आ जाता है ना, क्योंकि वो उसको डरा दिया बेचारे को। चलो क्वेश्चन अब भैया ये देखिएगा आप है ना बेटा। अब देखो दिस इज पी ए बी सी डी ए बी सी डी है ना। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, यानी कि इसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर की है भैया, 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है ये, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है ये हमें निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है भाई साहब। देखो देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक का ये कितना है? 14 है ना। हाँ। ये अर्धवृत्त है। हाँ। ये भी अर्धवृत्त है ना। अब जैसे ये मान लो ये बताओ तुम तो मुझे ये यहाँ से ये कितना है? 7। वेरी गुड। और ये क्या कहलाती है इसकी? त्रिज्या। वेरी नाइस। R is equal to 7। ये अपने निकाल लिया, दिया नहीं उसने, समझे कि नहीं? Yes, बेटा पूजा समझी? देखो बेटा ये अर्धवृत्त है, मतलब इसको अगर हम पूरा घुमाएंगे तो वृत्त बन जाएगा। देखो ये पूरा घुमाएंगे तो वृत्त बन जाएगा है ना। तो भैया थोड़ा सा ज्यादा ले लिया मैंने, सॉरी। अब इसको हम ऐसा लेंगे, ये साथ ये और साथ ये, समझे कि नहीं है ना। तो ये अर्धवृत्त है और इसकी त्रिज्या है,
तो आर बराबर कितना हुआ? सात। और इधर ये भी सात, इसकी भी सात है, है ना? आधा ये और आधा ये कितना हो गया? आधा व्रत ये, आधा व्रत ये और आधा व्रत ये, पूरा व्रत, है ना? तो भैया ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और भुजा कितने की भैया? 14। भुजा हमें दी है 14 सेंटीमीटर। तो लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये लिखो बेटा छायांकित वर्ग का क्षेत्रफल लिखो, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस माइनस व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का वर्ग का क्षेत्रफल बोलिए, भुजा गुणित भुजा, माइनस भुजा गुणित भुजा माइनस व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। चलो तो फिर लिखो बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, है ना? तो भुजा गुणित भुजा मतलब कितने की बेटा? 14 गुणित 14 माइनस पाई का मान बोलो 22/7। और आर कितना बेटा? 7। 7 तो गुणा में 7 की घात कितनी? 2। ये सात से ये सात कर गया, ए बराबर, देखो बेटा दिख रहा है इसमें? यस सर। ए 14 में 14 का गुणा करेंगे कितना? 196। वेरी नाइस। और देखो बेटा 7 × 14 = 4, 7 × 14 = 4 हंसी लगा, 7 × 14 = 15। तो भैया 6 में से 4 घटाओ 2। तो ए बराबर हो जाएगा आपका 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 5 गए 4, और 1 में से गया 0। इतने वर्ग सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। कठिन के सरल, अब देखिएगा भैया अगला प्रश्न है आपका, हाँ
तो भैया ये मैंने बनाया है चित्र, इसमें ये एक वर्ग है ए बी सी डी, ए बी सी और ये डी। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जो कि वर्गाकार है और इसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर की है। ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर की है अब ये कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो छायांकित भाग है ये वाला ये छायांकित भाग कितना है? देखो भैया छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना भैया, ठीक है ना। तो ये बताओ मुझे कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 14। ये कितना है? 14, ठीक है ना। अब मैं ये पूछूं कि ये कितना है? 7। अब मैं ये पूछूं कि ये कितना है? 3.5। 7 का आधा है ना, मतलब 7/2। ये आपकी त्रिज्या है 7/2 सेंटीमीटर, है ना, ठीक। ओके, सवाल हो गया। एक वृत्त, दो वृत्त, तीन वृत्त, चार, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? मैं लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे बेटा, बोलो बेटा। 4×4 × π r² वर्ग का क्षेत्रफल। हाँ सर, मतलब मैंने एक डायरेक्ट बोला क्षेत्रफल बेटा। अलीना बेटा, तू क्या नाम है तेरा? मम्मी को बोल तो बेटा कि वो दरवाजा खोले पीछे का। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल? वृत्त। चार गुणित क्योंकि चार है ना मेरे अपने पास, चार गुणित वृत्त का क्षेत्रफल। आगे यहां तक चलो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा? भुजा गुणित भुजा माइनस 4 गुणित पाई आर स्क्वायर, तो 14×14 माइनस 4 पाई 22/7 आर 7/2 घन, तो ठीक है ना। तो भैया 14 में 14 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 196। तो ये तो हो गया आपका 196 माइनस कितना? 4×22 ठीक है ना, 2×2 देखते बेटा। पूजा दिख रहा है 7×7 × 2/2 है इसमें, दिख रहा है पूरा। चलो देखो बेटा, 2 से 2 × 4 फिर ये 2 से 2 ये 7 से 7 कट गया ना। ए बराबर क्या है? 1
नाइन सिक्स माइनस, देखो बेटा सात दुनी चौदह, सात दुनी चौदह और एक हासिल का पंद्रह, पंद्रह छह में से चार गया, दो नौ में से पांच गया, चार वर्ग सेंटीमीटर, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। सरल के कठिन? सरल। चलो बहुत महत्वपूर्ण सवाल बचा दिए पुर, और परीक्षा में पूछा जाता है। हाँ रहती है ऐसी स्केल, सही कह रही है, उसमें सर्कल बने हुए रहते हैं, त्रिभुज बना रहता है, सही बात। तो भैया देखो हमने बनाया ना, हमने भी आसी बनाया भैया, हाँ तुम तो मेरे से अच्छा बना सकते हो, क्योंकि भैया तुम लोग तो बन रहा ना, तुम लोग तो रंगोली बनाते हो ना, मेहंदी बनाते हो ना, तुम तो मेहंदी बनाने वालों के तो हाथ जमे हुए रहते, तो तुम तो भाई मुझसे अच्छा बना सकते हो, बन क्यों पता नहीं इसकी वजह बेटा, इस सवाल की मैंने प्रैक्टिस कई बार कर ली है, तो मैंने प्रैक्टिस कर रखी, जो प्रैक्टिस करेगा वो जल्दी बना लेगा, सही बना लेगा, मैंने प्रैक्टिस करी, तुमने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी, तुमने मेहंदी की प्रैक्टिस करी, तो सब अपनी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर है भैया, जो प्रैक्टिस ज़्यादा करेगा वो ज़्यादा सीखेगा, और मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है तो मैं इसको बड़ी अच्छी तरह से बना पाया, और मैं और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि चित्र बोलता है, चित्र ऐसा बनाओ कि चित्र बोलने लगे, चित्र बोलने लगे, और जब चित्र बोलने लगे तो नंबर मिलने लगे, ये बात। चलो
मगर अब ऐसी जामफल में मिठास नहीं रहती है। हाँ सर वो तोरे हमने खाए विदेशी है। खेलने नहीं जाती थी। बड़ी बड़ी खेलती है। हाँ छोटे बच्चे भी रहते हैं बीच में। हाँ परी को शाम को ले जाए करो। कहाँ पे? चलो चलो कोऑपरेटिव। अरे ऐसे थक जाता कोई जाता। कोऑपरेटिव कहाँ पास है? कोऑपरेटिव किधर है? ये बस वो मॉर्निंग स्टार किधर ही। कोऑपरेटिव किधर है? मॉर्निंग स्टार ये सर अपन वो स्टेशन जाते हैं ना। हाँ इधर मंदिर है ना। वो मंदिर है सड़क पे बना हुआ। हाँ, वो कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव बोलते हैं वो बाबा भोलेनाथ बाहर बने हुए बड़े से वो। हाँ, हाँ, वो उधर उसके सामने खेलने का मैदान भी है। हाँ, अच्छा उसको कोऑपरेटिव कहते हैं। हम भी ऐसे कहते हैं कोऑपरेटिव कहते हैं। सब कोऑपरेटिव बोलते हैं। मैं रतलाम की जानकारी नहीं है रानी ना बेटा मैं तो बाहर ही था। हाँ भैया दोस्त आलोक बेटा डिजाइन बना रहे हैं यार। अच्छा लगता है डिजाइन बनाना नहीं लगता? अच्छा देखो बेटा अब हमने डिजाइन बना दी है और बहुत अच्छा चित्र बनाया हमने और इस तरीके से ही हमने चित्र बना दिया बेटा। और इसमें बेटा तीन तीन छः तीन तीन और नौ वर्ताकार डिजाइन है बेटा। इसमें नौ वर्ताकार डिजाइन है। नौ वर्ताकार डिजाइन है। ऐसा रुमाल है हमारा रुमाल है ऐसा रुमाल है बेटा हमारे पास जिसमें ये नौ वर्ताकार डिजाइन है बेटा। ये ऐसा रुमाल है हमारे पास जिसमें इस प्रकार की डिजाइनें बनी हुई है बेटा। ये 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 ऐसा ऐसा ये और इस तरीके से बेटा ये डिजाइन इस टाइप का हमारा रुमाल है बेटा। अब ये कहता है एक वर्गाकार रुमाल पर नौ वर्ताकार डिजाइनें बनी हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। हर एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर यानी कि समान त्रिज्या के ये वृत्त बने हुए हैं। समान त्रिज्या के वृत्त हैं नौ वृत्त हैं। तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो भैया सवाल को ध्यान से देखना भैया सवाल खुद मुँह से बोलने लगेगा और मुंह से बताएगा हमें बस हमें समझने की देर है। देखिएगा बाप त्रिज्या दी है हेलो समझो भैया है ना ये सेंटर है इसका है ना ठीक है ना बेटा। देखो बेटा बताना मैं जिससे पूछूं वही बताना है ना पूछा देखना बेटा ये यहाँ से यहाँ तक कि ये त्रिज्या कहलाती है इसका त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या कितनी बेटा है त्रिज्या कितनी थी बेटा कितनी थी बेटा 7 सेंटीमीटर है ना। अब यहाँ से यहाँ तक की ये 7 है भैया भैया ये बताओ कि ये कितनी होगी टोटल यहाँ से यहाँ तक का ये कितना हो गया 14 फिर ये यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 28 फिर ये यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 42 देखो बेटा 42 वेरी गुड 14 × 2 = 28 14 × 3 = 42 इसकी प्रत्येक भुजा कितने की वर्ग की 42 सी से डी तक की लंबाई 42 सेंटीमीटर बी से सी तक की 42 सेंटीमीटर ए से बी तक बोले 42 सेंटीमीटर एंड दिस इज 42 सेंटीमीटर नहीं दिया गया था मगर हमने निकाल ली। देखो भुजा की लंबाई उसने हमें नहीं दी मगर उसने हमें बता दिया कि ये जो नौ वर्ताकार वृत्त हैं वर्ताकार डिजाइन हैं
उसमें से प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो भैया छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकाल के दिखा देंगे आपको बड़ी सरलता से। छायांकित भाग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल 9 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लगेगा ना? अरे अरे बेटा सॉरी 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 सॉरी। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा। माइनस 9 गुणित पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। भुजा कितने की? 42 गुणित 42 पाई कितना? 22/7 22/7 आर कितना? आर 7 आर इस से वाले इस क्या है? बयालीस में बयालीस का गुणा करेंगे कितना आएगा करके देखिए क्या? बयालीस गुणी बयालीस, 2 × 4 2 × 8 4 × 8 4 × 16 8 × 8 = 16 4 × 4 = 8 16 = 6 80 लगा 1 × 6 = 7 × 6 = 17 1764 वेरी गुड बेटा वेरी नाइस। 1764 माइनस 9 गुणित 22/7 गुणित 7 × 7 इस 7 से तो ये 7 कट गया तो भैया मेरे 1764 तो ये और ये क्या है बेटा देखो 9 × 9 = 18 का 8 9 × 18 = 19 19 तो भैया ये 19 और गुणित में 7 ये वाला 7 रह गया। अब इसका इसमें गुणा कर लेते हैं अपन। चलो 198 में 7 का गुणा करें 56 का 6 हाँ से लगा 5 में 7 नाम 63 5 68 हाँ से लगा 6 7 एकम 7 7 और 6 बार 13 1386 तो भैया ये बराबर हो जाएगा हमारा 1764 माइनस 1386 ये बराबर 14 में से 6 गया तो 8 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड वेरी नाइस 378 सेंटीमीटर तो बहुत बढ़िया सवाल ये थे जो हमने करे। अब हम आपसे सूत्र सुनेंगे और जो भी सूत्र हमने लिखाए हैं उनका रिवीजन चलेगा है ना भैया। अपन अब सूत्र पे बात करेंगे क्योंकि सूत्र भी तो हमें याद होना चाहिए और सूत्र बिना तो हमारी गणित अधूरी है।